एक्सरसाइज दे द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट किसने लिखा है? डेल। ये याद करना है, ये पेपर में आता है। पेज नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ सिग्निफिकेंट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैंकेट। सिग्निफिकेंट आप लोगों को पता है। देखिए इस तरह के सवाल आज जब आते हैं ना सिग्निफिकेंस वाले, आप लोगों ने ये ढूंढना होता है कि सबक को जो नाम मिला है, सबक को कुछ भी नाम मिल सकता था, लेकिन इन लोगों ने नाम दिया है इसको द ब्लैंकेट। इसका कोई फायदा हुआ है या नहीं? जिब्रान yes, sir. समझ गए? Yes, sir. हमजा yes. इस द कंबल द ब्लैंकेट सबक हमने पढ़ा yes, तो इसके बाद आप लोग खुद रियलाइज करें, ये जो द ब्लैंकेट है ना इसको अपने जहन से हटाए, कहानी को अपने जहन के अंदर ले आए सब yes. और अब आप खुद सोचे कि जनाब, आप लोग ये सोचे कि जनाब इसका क्या नाम हो सकता है, क्या नाम इस तरह की कहानी का होना चाहिए। मेरे ख्याल से पेरेंट्स लव, अगर बच्चों की तरह सोचेंगे ना, पेरेंट्स लव की उनके पेरेंट्स की मोहब्बत है इधर। अच्छा, ग्रैंडडैड इसका नाम होना चाहिए था, दादा के बारे में है। गिव अवे, ओल्ड हाउस, ये सारे ऑप्शन आते हैं ना। लेकिन अगर इसके बारे में सोचेंगे तो इसका जो मेन पॉइंट है ना, कंबल पे हाथ मलना और कंबल को काटना और कंबल क्यों खरीदी और ये सारी कहानी इसी चीज के इर्द गिर्द है। तो ये आपको क्यूरियस बनाती है, ये टाइटल आपको क्या बनाती है? क्यूरियस का मतलब है आपको तजस्सुस में करती है कि यार कहानी, अगर मैं आपको बताऊं कि एक कहानी है दादाजी पोते के बारे में है और दादाजी को घर से बाहर निकालने के बारे में है, कहानी का नाम क्या है? द ब्लैंकेट। ये नाम क्यों क्यों रखा गया होगा? चेरियारा। तो ये आपको क्यूरियोसिटी में रखता है ना, इस तरह का नाम होना चाहिए। अगर हमने सिंपली कहा कि ग्रैंडफादर, ठीक है, गिव अवे, उससे घर से भगाना, तो स्टार नाम से ही पता चल जाएगा कि इसलिए नाम रखा है कि इसमें द ब्लैंकेट आपको तजस्सुस में रखता है कि कंबल का दादाजी पोता बेटा, उसकी शादी और फिर उसको घर से निकालना और बीवी को छोड़ना, गर्लफ्रेंड को, तो ये आपको क्यूरियस रखता है, इसलिए राइटर्स जो होते हैं वो ऐसा नाम रखते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2, फायदा है ना। नंबर 2, एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी द ब्लैंकेट, हाउ इज इट रिजॉल्व्ड। अब याद आप टेस्ट के लिए गाइड्स वगैरह से करें, इधर सिर्फ इसको समझे। लेक्चर का मतलब स्कूल और कॉलेज में यही डिफरेंस है कि स्कूल में आप पराठा लगाते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं, इधर आप समझते हैं। यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपको आइडिया मिलेगा, इस तरह कॉपी और बुक्स भी नहीं होंगे, लेक्चर वो घर से तैयार करके आएगा या पेजेस होंगे या नोट्स होंगे, बस उस वो आपको डिस्कस करके देंगे, फिर आपकी मर्जी आप याद करें या ना करें। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है मसला। इसमें मसला ये था, दादाजी को घर से निकालना था। अब इट्स अ प्रॉब्लम, ऐसा है ना। तो ये मसला रिजॉल्व इस तरह हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, पैर पे कुल्हाड़ी इस तरह मारी कि वो उसके साथ शादी कर रहा था, वो अपने बाबा को घर से निकाल रहा था, लेकिन उसी वक्त वो गुस्सा हुई और कंबल के पीछे पड़ी और ये क्यों कर रहे हो वो क्यों, तो जाहिर सी बात है वो इंसान है, उसका जमीर जाग गया कि यार मैं निकाल रहा हूं ना, अब एक कंबल है इसको तो माफ करो, इसके साथ तो जाने दो। तो वो उस पर थोड़ा बहुत गर्म हुआ और गुस्सा हुआ और फिर उसी को छोड़ दिया। तो हल इस तरह हुआ, और हल इस तरह भी हुआ कि जनाब पीटर ने खुद कहा कि आधा कंबल छोड़ो, बेटे ने भी कहा ना कि आधा कंबल छोड़ दे तो वो आपके काम आएगा फिर, वरना अगर आपने नहीं छोड़ा तो मैं आपको बगैर कंबल के ही भेज दूंगा। इट वॉज एन आइडियोलॉजी। नंबर 3, एनालाइज द टोन ऑफ द स्टोरी। टोन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, शहरयार बताएगा कि किसे कहते हैं। इस सबक के अंदर हमने एक और वर्ड भी पढ़ा, ट्यून। हारमोनिका से मैं ट्यून बजाऊंगा, yes, कुछ नोट्स बजाऊंगा, मोहेब हुबेब को याद होंगे ना, सबक के अंदर हमने ट्यून का जिक्र, दादाजी ने ट्यून का जिक्र किया था। आपको नहीं याद, आप कहानी में नहीं थे। ये क्या है? हाँ, ये टी ओ एन ई है,
तो केड़ी से है। मैंने कहा था कि अगर कहानी वगैरह में आपसे ये पूछा जाए कि ये क्या है, सॉरी टोन के बारे में बात की जाए, देट वुड बी द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन ना, ऑफ द राइटर। अगर पोएम है तो पोएट का प्रोज है, ऐसे है तो उसमें भी आप ये सारी चीजें देखेंगे। कहानी का जो टोन है वो बहुत ज्यादा सैड है और डाइडेक्टिक है, आपको समझा रहा है। द ब्लैंक आप लोगों ने पढ़ी, तो आपकी जिंदगी में फिर फ्यूचर में ये ना हो, आपका बेटा पीटर नहीं होगा कि वो आए और आपके सामने कंबल को इस तरह के दो टुकड़े करे कि अबू आप दादाजी को आधा दे दे आधा मेरे को। आपका बेटा छुप भी हो सकता है लेकिन फ्यूचर में आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपका बेटा आपको बचपन में यह नहीं कहता या लड़कपन में यह नहीं कहता कि जबरदस्त से कम, जो लोग करने वाले होते हैं ना वो बताते नहीं है। ये पीटर करने वाला नहीं था, ये समझाने वाला था। तो आप लोगों के छोटे भाई और बच्चे अगर खामोश है अब उसकी माँ को मारते हैं, आप कोई ज्यादती करते हैं, वो जब बड़ा होगा ना फिर वो सारी बातें आप दोहराएगा, ठीक है। तो टोन डाइडेक्टिसिज्म है इसमें। डाइडेक्टिक का मतलब है कि वो आपको पढ़ाता है कि जनाब इस तरह मत करें। जिस तरह एक टीचर मैं समझा रहा हूं ना आप लोगों को, इसी तरह राइटर अपनी कहानी से अपने वर्ड से आप लोगों को समझाता है। इसको हम डाइडेक्टिक टोन कहते हैं, जिसमें पढ़ने की बात आ जाए। और एक सैडनेस भी है इसमें, दादाजी नाराज थे, ठीक था जी। अच्छा हाँ, इज इट आगे लिखा भी है कि इज इट जॉयस और सोरोफुल, खुशी का था या फिर गम का था, तो जाहिर सी बात है गम का था। नंबर फोर, व्हाट एटीट्यूड डज पीटर शो टुवर्ड्स हिज डैड एंड ग्रैंडडैड। क्या एटीट्यूड था, क्या रवैया था पीटर का अपने अब्बू और दादाजी के साथ। पीटर का जनाब अपने अब्बू के साथ कोई पर्सनल नई मसला नहीं था कि वो उसकी बेअदबी करे, उसके साथ पर्सनल हो जाए, कोई और मसला क्रिएट करे, कोई और करे, ठीक है। उसको अच्छे से समझाया कि अब्बू जी अगर इस तरह है तो इसको दो टुकड़े करे, कल आपके भी काम आएगा ना। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप ओल्ड हाउस में अपने अब्बू को बेच सकते हैं तो कल मैं भी बेच सकता हूं। तो एक रिवाज है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं। तो फिर उसका एक अच्छा था, अच्छा टोन था, एक सलीतोब और इंसानियत वाला था। दादाजी के साथ कितनी मोहब्बत थी, उसके साथ फ्रेंडली था, उसके साथ बाहर बैठ के हारमोनिका से वो ट्यून बजाता था, ये उसको सुनता था, उसको फील करता था कि दादाजी जो कह रहा है वो उल्टा है। वो कहता था ना कि अच्छी कंबल है, मैं खुश हूं, जा रहा हूं, ठीक है, वगैरह वगैरह। यस, सब समझ रहे हैं। अच्छा, नंबर फाइव, हाउ इज द थीम ऑफ द ब्लैंक इज द थीम ऑफ आवर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी इज वेल। थीम क्या होगा, वो तो मैंने उधर लिखा था कल कि जनाब जैसा करोगे वैसा भरोगे, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। इसमें एक चीज नहीं होता, जब हम कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सारी दुनिया की चीजें फिर आती है। हमजा ने रोड पे किसी अनजान स्ट्रेंजर के साथ कुछ गलत किया, आपके साथ यह होगा, आपके साथ नहीं होगा, आपके पर्सनल इंडिविजुअली आपके साथ नहीं होगा, तो आपके रिलेटिव के साथ होगा, लेकिन वो चीज होगी। नेचर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो नेचर आपसे बदला लेगा। फिर इंसान क्या है, कुदरती चीज है ना, तो आप जुल्म करें आपका खात्मा गलत होगा। आप नौजवान है, पावरफुल है, बूढ़ों पे, बच्चों पे, गरीबों पे ये सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा बुढ़ापे में आपसे ये सारी चीजें निकलेंगी और कुदरत निकालेगा। आपके बच्चों के जरिए, आपके पोतों के जरिए, आपके नवासों के जरिए, आपके इर्द गिर्द के लोगों के जरिए। आप लोग फिल्में जो देखते हैं ना, उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो कहानी कोई बंदा लिख चुका होता है आपको समझाने के लिए। अब आप लोग खुद सोचे कि आप लोग कितने विलन है और कितने हीरो है। हम में से आजकल ये जो नया जनरेशन है इसमें हीरोज कम है, विलन ज्यादा है। हम खुद बदमाशी करना ये हीरो का काम नहीं होता, ठीक है। आप सलाम नहीं करते, मैं आपके करीब भी नहीं जाऊंगा। एटीट्यूड हीरो में नहीं होता, समझ रहे हैं। आप लोग पुराने शोज को देखे, पुराने मूवीज को देखे, शाहरुख खान के, सलमान खान के, उधर ये चीजें नहीं होती थी। आजकल वो भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, नया हीरो आया है वो भी एटीट्यूड दिखा रहा है, हमारा लेवल ये नहीं है, वो भी किसी ने मूंछे छोड़े है और मन सब अपरी दो लगानो और आउट ऑफ ब्रेथ,
वो भी एटीट्यूड है। मुझे तो छोड़े है आपने, आप टिकटॉकर्स को देखते हैं ना, पठान वगैरह है, जानता पख्ताना भाई लड़कियों के साथ टिकटॉक्स बनाएंगे, पख्ताना दास ही अकम सड़ी से जोड़ाई अगर जानता से पख्तून हुआ है अगर बखल जमीर सुनवाईगा ना लगा यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक दैट چیزا پختونی ما وزن نری ما وزن زیگی ما وزن سر جینا که گرد اول شما یا می زن سر الگ سات لیده می چارجر سات لیده می بیٹری سات لیده زن توای پختون سو یہ ہم صرف ایکٹنگ کرتے ہیں اور شو آف کرتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں یہ ویلن کا کام ہوتا ہے ہیرو کا نہیں ہے اگر یہ ڈیفینیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ کروڑوں سے ہزاروں سے لاکھوں سالوں سے یہ ڈیفینیشن آتی جا رہی ہے آتی آ رہی ہے آدم علیہ السلام واز اے ہیرو رائٹ ہی واز اے ہیرو उसका एटीट्यूड लेवल ये सारी चीजें कैसे थे शैतान वाज अ विलन लूसिफर तो उसके साथ क्या हुआ मैं सजदा नहीं करूंगा वर्क है तो यही तो हम कर रहे हैं ना 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 बाप बाप बाढ़ में जाए अगर मुझे गुस्सा है तो मुझे अपने आप पे काबू नहीं रहता ठीक है मुझे गुस्सा है तो आप लोग मुझसे दूर जाया करें क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा सोसाइटी में डिस इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपके मुआसरे में भी ये चीजें होती है हमारे मुआसरे में भी ये चीजें होती है जब हम स्टूडेंट्स होते हैं ना जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो अब्बा जान अब्बू बड़ा भाई ये वो जब हम यूनिवर्सिटी में थे फिर अलग एक स्वे गया था थोड़ा सा आप लोगों में भी आएगा जब हम पैसे कमाते हैं जरूरत है तो पेरेंट्स पे सलाम करो सुबह या शाम को या रात को शादी भी हुई है बच्चे भी होंगे नहीं होंगे शादी हुई है शादी नहीं हुई है लैपटॉप्स कंप्यूटर्स ये सारे तो है तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूं जरूरी नहीं है अब्बू आपको पैसों की जरूरत है अब बता देना उधर भी हम वेलन बनने की कोशिश कर रहे हैं आप पूछेंगे उनसे तो हमारे मुआसरे में ये मसले होते हैं ठीक है आप लोग अपने पेरेंट्स को देखे अगर कोई बाहर मुल्क में था कोई पैसे कमाता था तो आपके दादाजी को वो पैसे देता भी था तो शर्मा के देता था कि जैसे मैं मांग रहा हूं आजकल लोग शो ऑफ करते हैं परसों मैं टिकटॉक वीडियो देख रहा था एक बच्चा एक लड़का मेरे एज का था या मुझसे शायद ज्यादा था पहली सैलरी में से अपने अब्बू जान के लिए 500 रुपए का नोट दिया 500,000 थे 500 रुपए आजकल क्या होता है 500 से टिकटॉक बनाई थी अब्बू जान ने भी ले ली और जेब में रख दी ये हमारा मुआशरा है बहुत ज्यादा लोकल बहुत ज्यादा चाइना मुआशरा है चाइना का मतलब वो चाइना नहीं नकली चाइना हाँ आप लोगों ने वो लतीफा सुना है कि अल्फाज मुतजाद आए थे किसी पेपर में तो मुहैब को पेपर मिला और उसको कहा कि ओरिजिनल का उल्टा क्या है ओरिजिनल का तो नकली है ना तो मुहैब ने लिखा था कि चाइना ठीक है नंबर 6 डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विद डिफरेंट फैमिली मेंबर्स डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? आप बताएं हमजा सबके साथ ये जो रिलेटिव्स होते हैं ना रिलेटिव्स आपका अंकल है खालू है पुप्पा जान है जो भी है सारे जितने भी रिश्ते हैं बाज लोग हमारे मुआशरे में कहते हैं कि ये उतरवे पके नखा और अदलम दे मामाद नबी का ना हर रिश्ते का अपना एक मिठास होता है समझ गए जो मोहब्बत आप अपने मामू को देते हैं ना वो अपने चाचा को या अब्बू को नहीं दे सकते जो मोहब्बत आप अपनी बहन को या भाई को देते हैं वो दोस्तों को नहीं होती वो आप सबके बड़े भाई होंगे आपको डांटते हैं पीटते भी होंगे फजूल किसी चीज से या किसी आपको जो लगता होगा कि ये फजूल बात है क्यों वो आपके बारे में कितना पॉजिटिव है ठीक है अब इस बात पे जरा सोचे कि जो डांट रहा है ना ये क्यों बाज बड़े भाई आप कैसे भी हो सकते हैं जो जनाब घर में हमारे साथ या अकेले में बहुत फ्रेंडली होते हैं फिर हमें समझाते हैं लकश मलगर सनास तुम मुझे कोचिंग न के जो बता सरा फ्रेंडली में मलगर फटे के बाद बेदबी न के अब रदल से खबर चलता पारसी की बखला चिंगा चिंगा न के फ्री के बना वो हमें इंसानियत सिखाते हैं तो हमारे ताल्लुकात हर बंदे के साथ उसी तरह होने चाहिए जिस तरह जरूरी है मामू के साथ आप अपने ताल्लुकात रखिए चाचू के साथ आप अपने ताल्लुकात रखिए आपके वालिद के साथ जो रिश्ता है आपका वो कोई नहीं निभा सकता आपके वालिद साहब के अलावा आपके भाइयों के साथ जो रिश्ता है वो आपके वालिद साहब नहीं निभा सकता या बहन नहीं निभा सकती बहन तो नाजुक रिश्ता है ना उसमें आप उसको अगर मारती भी है तो प्यार से बाल खींचते हैं या कुछ और करते हैं रो खचे वाले तिरंगुना बते उबासे
इधर मारा उधर दीवार पे, समझ गए। लेकिन बहन के साथ तो वो नहीं कर सकते ना, या कोई तेज बात की आपने, भाई को आप गाली भी देते हैं, बहन को तो आप वो नहीं दे सकते। तो इसमें डिफरेंसेस है, हु योर रिलेशनशिप इज द मोस्ट कॉर्डियल विद एंड हु यू स्टे अलूफ फ्रॉम एंड व्हाई, एक्सप्लेन। किसके साथ आपका रिश्ता जो है वो ज्यादा दिली है, दिल का रिश्ता है। कॉर्डियल का मतलब है दिल का रिश्ता, एंड अलूफ का मतलब है अकेले रहना। आपका जो रिश्ता है वो किसके साथ साइड साइड पे है, तो वो घर में हम सबको पता है कि किसके साथ। हमारे अक्सर जो रिश्ते होते हैं वो अपने जो हमारे वालिद होते हैं ना, उससे हमारी थोड़ी डिस्टेंस होती है बीच में, बस दुआ सलाम पैसे चाहिए ये वो, ज्यादा हम फ्रेंडली नहीं हो सकते या नहीं होते। अगर वो नहीं है तो आप बन जाए, अब तो बड़े हैं ना आप लोग, अब मैट्रिक वाले तो नहीं है या स्कूल वाले, तो उसके साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर लिया करें, उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए ताकि उनको फील हो कि ही इज वेरी क्लोज टू मी। और अगर उन्होंने कुछ इस तरह किया है जो आपको क्लोज नहीं था, तो उनको ये फील हो कि ये ठीक है, ये अच्छा है। उनको अपनी गलतियां अगर वो कर चुका है वो रियलाइज हो, इंसान है ना, कोई फरिश्ता नहीं है। अच्छा, 7. If Peter had been exposed to mass media, social media and internet, would he have developed the same intimacy with the grandfather as he did in the story? Elaborate. अगर पीटर मास मीडिया के साथ करीब होता, टेलीविजन के साथ, सोशल मीडिया है या कोई और चीज है, या प्रिंट मीडिया है, या इंटरनेट है, फेसबुक है, ये सारी चीजें जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो अपने दादा और अब्बू के साथ इस लेवल पे होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात, हम अपने ग्रैंडफादर्स के साथ इतने फ्रेंडली नहीं है, अगर हम फ्रेंडली है भी तो उसका सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, मजाते हैं ना, नाना जी के और दादाजी के मजाक उड़ाते हैं। वो अगर कोई बात करे उस पर हंसते हैं, वो अगर कोई बात करे, पुरानी सोच है, ठीक है। दूसरी बात, हम अपने अब्बू से या तो बहुत ज्यादा डरते हैं, अगर बलवा दखी तो वर्त हुआ चला कंबल नीम का छप मीन दिन की चुनी मता था खेरम चकफन देते जोड़ की, तो इस तरह के रिश्ते नहीं होते, ठीक है। सोशल मीडिया वाले तो एक तो हमारी सोच बहुत छोटी होती है, पहले लड़कियां इस तरह होती थी जिस तरह आजकल लड़के हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि लड़कियां कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से वो फैमिली में उसको नजाकत दिखाई जाती है, जिस तरह आपके बहनों को आपके मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत की जाती है और नजाकत दिखाई जाती है, आजकल लड़के मुझे स्कूल क्यों जाऊं, मैं वो तकलीफ है, ये मसला है, वो है, ये है, स्कूल में टीचर से ये मसला है, उसमें ये मसला है। हम जब छोटे थे या हमारे से जो थोड़े आगे के जनरेशन है, क्लब छे टीचर स्टूडेंट हुआ लो स्कूल के या जुमात के कोर के बेचे था कोर के बेबुल हर बच्चे आप में कोई मसला है। आजकल उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उस बच्चे के सामने आपके साथ लड़ेंगे, और टीचर पर्सनल हो चुका है, अब डायरेक्टर के सामने मसला है। और खुदा के बंदे, आपका बच्चा शाहरुख खान है जो हम उसके साथ पर्सनल होंगे, या हमने ये इदारा इसलिए खोला है कि हम हमजा को बर्बाद कर दें? हम आपके फ्यूचर का सोचेंगे या उसको बर्बाद करने का सोचेंगे? कोई भी टीचर, अल्लाह करे कि वो आपका दुश्मन हो लेकिन इधर आपको पढ़ाए, वो गलत पढ़ाएगा आपको, गलत तरबियत देगा आपको। तो आजकल के पेरेंट्स का भी ये मसला है, अब बच्चों ने परेशान करके रखा है। अब अब्बू तो ठीक है ना, इसमें मसला है, लेकिन उसकी बेगम साहब आपकी अम्मी उसे कहेंगी आप जाते नहीं है, बच्चे को ये मसला है, बच्चे को देखो कितना बड़ा स्टिक उसको मारा है और ये तकशीन हो गया है, और आप उसका पूछते नहीं है, और आप इस तरह के फादर है। वो भी बेचारा मजबूर होके कॉलेज या स्कूल आ जाता है कि मेरे बच्चे को किसने मारा है और ये, और वो सनी देओल बन के आ जाता है इधर, कुछ ना कुछ तो फिर कहेगा या करेगा, ठीक था जी। मर्द बने, मर्द बच्चों की तरह बिहेव छोड़े। टीचर ने कहा तो बस ठीक है, क्लास के अंदर बैठ जाओ बस ठीक तक है ना, आप आंखें क्यों निकाल रहे हैं? क्या मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान है, आप बहादुर है? बहादुर लोग आगे निकलते हैं बड़ों पे। Why does Peter's dad get angry with the girl he is going to marry? Question number 8 में पूछ रहे हैं कि पीटर के अब्बू क्यों गुस्सा हुए उस लड़की के साथ या उस लड़की पे जिससे वो शादी करने वाला था। तो वो तो कंबल का सीन था ना, ये कंबल के पीछे लगी लगी लगी, बात कोई और होती थी वो फिर भी कंबल का, इतने मतलब फिर भी
मतलब मैं जा रही हूँ लेकिन फिर भी इतनी महंगे कंबल खरीदने का क्या जरूरत थी। अब पता नहीं इसके बाद क्या होता है, चुप चुप के मिलता है या कोई और है या सॉरी कहा है, लेकिन दादाजी के साथ इतना हुआ कि उसके साथ वो फीलिंग्स एक्सप्रेस हुए कि मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है अबू, गर्ल्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर 9, व्हाट डज आवर रिलीजन टीच अबाउट ऑल पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप के बारे में आपका मजहब आपको क्या सिखाता है? हर मजहब आपको इंसानियत, प्यार मोहब्बत, कदर शफकत। हुजूर सल्लम का हदीस मफहूम है, आप लोगों ने सुना है, सब ने सुना है, वो फरमाते हैं कि जनाब अपने पेरेंट्स के सामने आह तक या उफ तक ना करें, क्योंकि उसको तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा तक। तो अगर इतनी छोटी सी बात वो फिजिकली अगर हम देखे तो उफ करना, उफ हो फिर से कोई मसला आ गया तो उससे भी आपके पेरेंट्स को मसला है। मसला क्या हुआ? आपके ऑफिस का काम होगा, आपने 100 रुपए का नुकसान किया होगा, ओहो यार जमा 100 रुपए, उससे भी उसको तकलीफ हो सकता है। हदीस मफहूम है, ये भी ना करें। और फिर हम उठते हैं उसको गाली देते हैं, उसको बातें सुनाते हैं, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से वो हुआ। तो आप खुद सोचे कि आप किस लेवल पे है, ठीक है।